गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। ये या तो रहेगा रूट फाइव, रूट सिक्स, जो भी हो, इरेशनल नंबर, एक दूसरे तरीके का रहेगा, वो भी अभी कर लेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि प्रूव दैट रूट सिक्स, अंडर रूट सिक्स इज इरेशनल नंबर। कैसे इरेशनल नंबर है, तो यहाँ हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले उल्टा चलेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि रूट सिक्स इरेशनल नंबर है, बट वी लेट है कि ऑन द कंट्रारी लेट रूट अंडर रूट सिक्स इज ए रेशनल नंबर। हम इरेशनल नहीं मान के इसको रेशनल मानते हैं। फिर स्टेप बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे और जब लास्ट में देखेंगे कि हमने जो माना वो गलत था, ठीक है, तो अपनी गलती को सुधार के फिर हम बताएंगे कि रूट सिक्स इज ए इरेशनल नंबर। कैसे स्टेप वाइज करेंगे, तो वी नो दैट रेशनल नंबर इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वो होता है जिसके कॉमन फैक्टर वन हो, सिर्फ वन हो, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे मान लो 13 and 15 हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, वन एक ही कॉमन फैक्टर है दोनों का, दैट्स व्हाई 13 and 15 है आर को प्राइम नंबर। समझ गए, को प्राइम नंबर की वो नंबर हुआ जिसके सिर्फ क्या हो, एक फैक्टर कॉमन हो, वन, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इट मीन्स क्या होगा, ये तुम्हारा किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि पूरा कटा हुआ है, अब ये आगे नहीं कटेगा ए बी जो भी नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर वन आएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिंपल है, कुछ नहीं करना, अब स्क्वायरिंग कर दिए, सिक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ लिख दिए सिक्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो गया कि सिक्स जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सिक्स इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स सिक्स डिवाइड ए स्क्वायर। जब भी कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करता ही करता है, तो इट मीन्स क्या होगा, सिक्स डिवाइड्स ए, क्लियर। अब अगेन हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू सिक्स एम या सिक्स सी जो लेना हो, या अगर रूट टू रूट फाइव होता तो यहाँ फाइव एम लेते, अंडर रूट सिक्स है तो सिक्स एम लिए ले लिए। अब हम फिर क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36 एम स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, सिक्स बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 36 एम स्क्वायर, ठीक है। अब ये कट गया, सिक्स वन जा सिक्स एंड सिक्स सिक्स जा 36, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू 36 एम स्क्वायर, क्लियर। जैसे यहाँ पे हम क्या देखे थे, यहाँ पे कि सिक्स डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो सिक्स डिवाइड्स ए बी, इन द सेम यहाँ पे क्या देखेंगे कि सिक्स डिवाइड्स बी स्क्वायर, सिक्स किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। जब सिक्स बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, नेचुरली है सिक्स बी को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ क्या आ गया हमारे पास, हम यहाँ क्या लेके चले थे कि ए और ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, यानी इट मीन्स नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर सिक्स आ गया। अब ये तो जो हम माने थे कि को प्राइम है, तो ए एंड बी आर नो को प्राइम नंबर, तो इट मीन्स क्या हो गया कि सिक्स डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट सिक्स इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्यों अराइज हुआ, क्योंकि रूट सिक्स क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने क्या मान लिया था कि रूट सिक्स इज ए रेशनल नंबर, तो क्या लिखना है आपको यहाँ पे कि इट कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट या एजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशंस दैट रूट सिक्स इज ए रेशनल नंबर, सो रूट सिक्स इज ए इरेशनल नंबर, दैट्स प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है सम जो है पहले से मिलता जुलता है। नाउ प्रूव दैट, जरा सा चेंज किया कि प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव क्या करना, वहाँ प्रूव करना था रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर, हियर वी हैव टू प्रूव 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। उससे भी ईजी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सेम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, ठीक है, सॉरी इरेशनल तो है ही, हमें रेशनल नंबर लेके प्रूव करेंगे। तो 5 - 2√3 इज ए रेशनल नंबर, क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर।
तो जब हम इसको रेशनल नंबर मान लिए तो 5 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बाई बी, वेयर ए बी आपको प्राइम नंबर जैसे पीछे किए थे हमने। अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसको हम इधर ले गए और ए बाई बी को इधर ले आए, तो 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। फिर क्या किया, कैलकुलेशन करके 2 को नीचे लाए तो यहाँ क्या बन गया हमारे पास 5 बी माइनस ए बाय 2 बी, सिंपल। अब सिंस ए बी आर इंटीजर्स, ए बी क्या है इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स को अगर हम ऑपरेशंस के साथ जोड़ते हैं, ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 इंटू 2 बाय 3 या 5 प्लस 3 बाय 2, दीज आर रेशनल नंबर, ये क्या है आपका रेशनल नंबर। तो सिंस ए बी आर इंटीजर्स देयरफॉर 5 बी माइनस ए बाय 2 बी इज रेशनल, क्या हो गया ये रेशनल, और ये किसके इक्वल है अंडर रूट 3 का, इट मींस क्या आगे रेशनल रेशनल के इक्वल है, इट मींस क्या आगे रूट 3 इज आल्सो रेशनल, जबकि हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि रूट 3 या रूट 6 इज एन इरेशनल। तो यहाँ कंट्राडिक्शन हो गई कि ये रेशनल है और रेशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो कंट्राडिक्शन क्यों एरेज हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर गलत माना है। इट मींस क्या हो गया, हमने 5 माइनस 2 रूट 3 को क्या मान लिया था यहाँ पे कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। तो थस तो बट द कंट्राडिक्शन, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट एज रूट 3 इज इरेशनल, ये क्या कर रहा है फैक्ट कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि रूट 3 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत था। इससे क्या शो हुआ कि 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल, क्या हो गया ये 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल। ये जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया, दो सम आपको करवाया, इसमें से एक ज़रूर आएगा बोर्ड पे, बोर्ड में, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से, और मैं इसमें और सारे क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप करके फिर पोस्ट करेंगे।